महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी नेत्री चित्रा वाघ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सनसनीखेज वीडियो शेयर किया है। तस्वीरों को लेकर बनाया गया यह वीडियो मेघालय के चेरापुंजी के होटल पोलो ऑर्किड का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स एक महिला के कंधे पर हाथ रखकर बैठा हुआ नजर आ रहा है। चित्रा वाघ का दावा है कि यह शख्स महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हैं। चित्रा ने एक जनप्रतिनिधि के इस तरह के व्यवहार पर सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस से उन्हें तत्काल अपनी पोस्ट से हटाने की मांग की है। इसके जवाब में नाना पटोले ने कहा, मुझ पर यह चरित्रहीनता जैसा आरोप है, सच जल्द सामने आ जाएगा, हमारी लीगल टीम इस मामले में कार्रवाई करेगी। चित्रा वाघ ने वीडियो शेयर कर सवाल पूछा, क्या नाना तुम भी जंगल में और होटल में? सोशल मीडिया में वीडियो आने के बाद लोग नाना पटोले पर जमकर निशाना साध रहे हैं। चित्रा का कहना है, मैं किसी के निजी जीवन में नहीं झांक रही हूँ, वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। वीडियो के शुरुआत में टी शर्ट और पैंट पहने नाना की तस्वीर आती है। इसके बाद नाना एक महिला के कंधे पर हाथ रखे बैठे नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक होटल की फोटो आती है। हालांकि जब नाना से इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि यह बीजेपी की साजिश है। पटोले ने यह भी कहा कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। मुंबई के लिए रवाना होते समय नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीति का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया गया है, हमारी कानूनी टीम इसकी जाँच कर रही है, ज़रूरत पड़ने पर हम अदालत जाने को भी तैयार हैं। नाही, माझ्याकडे तो व्हिडिओ आला आणि खरं तर पाहिल्यानंतर मला पण जरा आश्चर्यच वाटलं, म्हणून मी तो पुन्हा एकदा नीट चेक केला। बऱ्याच ठिकाणी तो व्हायरल झालेला आहे आणि तो काही साध्या माणसाचा व्हिडिओ नाही आहे, तर महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्षांचा त्या पद्धतीचा एक व्हिडिओ त्या ठिकाणी आला आहे। आणि म्हणूनच एकंदरीतच राजकीय आपण बघतो, राजकारणामध्ये ज्या काही गोष्टी घडताना आपल्याला दिसत आहेत आणि त्याच्यावर वारंवार आम्हाला प्रश्न विचारले जातात, त्यामुळे आता तो व्हिडिओ माझ्याकडे आल्यानंतर मी सुद्धा त्याच्यावरती ट्विट करून नानांनाच विचारलं आहे की नक्की काय आहे, तर अजून त्यांच्याकडनं तरी काही स्पष्टीकरण आलेलं नाही। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।